अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन में आपके लिए वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब्स स्पाइस मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और दोस्तों आपको मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड के हवाले से भी बताता हूँ और इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से भी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जो है केमिकल कंपाउंड को सेलेक्ट की है। दोस्तों कॉस्मेटिक ब्यूटी आइटम के अंदर भी ये चीज़ आती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को पैराफिन वैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों पैराफिन वैक्स जो है इसके अलावा इसे पेट्रोलियम वैक्स भी बोला जाता है। और दोस्तों दिखने के अंदर सॉफ्ट कलरलेस सॉलिड सब्सटेंस होता है ये। और दोस्तों इसे पेट्रोलियम से कोल से और ऑयल शेल से निकाला जाता है। और दोस्तों ये हाइड्रोकार्बन की एक किस्म है। और दोस्तों रूम टेम्परेचर पर यह सॉलिड होता है और 37 सेंटीग्रेड के ऊपर ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 370 है। और दोस्तों इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। इसे लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और पावरफुल जो है गैर मुसल प्रॉपर्टी रखता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करता है। और दोस्तों इसे मोमबत्तियाँ भी बनाई जाती हैं, इसे क्रेयन रंग भी बनाए जाते हैं। दोस्तों ये जायके में टेस्टलेस होती है और ऑडरलेस होती है। और दोस्तों सबसे पहले जो है 1830 के अंदर पेट्रोलियम वैक्स को जर्मनी ने दरियाफ्त किया था। और दोस्तों पानी के अंदर ये मिक्स नहीं होती लेकिन बेंजीन के अंदर और इथर्स के अंदर जो है मिक्स हो जाती है। इसे आग लगाएं तो बहुत तेज़ शोला देती है। और दोस्तों इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्किन को मॉइस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को भी उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसे गर्म किया जाता है, फिर इसे स्किन के ऊपर अप्लाई करके ऊपर स्ट्रिप्स लगा के फिर जोर से खींचा जाता है। और दोस्तों जिससे गैर ज़रूरी बाल उतर जाते हैं और जिल्द आपकी खूबसूरत मुलायम सॉफ्ट हो जाती है। और दोस्तों पैराफिन वैक्स जो है सलून का एक अहम पार्ट है। और दोस्तों इसके अलावा इसे मसाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ों के दर्दों को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये आपको हर ब्यूटी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चले दोस्तों ये तो थे पैराफिन वैक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, इसके बेनिफिट्स, अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जनरली जो है पैराफिन वैक्स जो है सेफ है, इसे एक्सटर्नली ही यूज़ किया जाता है लेकिन अगर आप इसे इंटरनली पर यूज़ करें तो ये दोस्तों ये शुगर के मर्ज को तेज़ करती है, ब्लड सर्कुलेशन को कमज़ोर करती है। और दोस्तों ऐसे अफराज से जो है ब्यूटिशन से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें जिनकी स्किन जो है बहुत हसास है। दोस्तों ऐसे अफराज अगर वैक्सिंग करवाएंगे तो उनकी स्किन के ऊपर जलन हो सकती है, रैशेस पड़ सकते हैं। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैराफिन वैक्स के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यूजेस बताएं, बेनिफिट्स बताएं, साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है पैराफिन वैक्स के बारे में तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों मजीद किसी भी वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब्स स्पाइस मतलब केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या कोई बीमारी या कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जॉली अजीम को इजाजत दें। ओके जल्द हाफिज़, टेक केयर।